हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इस वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो कल मीटिंग होनी थी वो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और इस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और जो फैसला लिया गया उसके ब्रीफ में बात करें तो ये जो Q4 का रिजल्ट इसका आना था वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट जारी किया है वो कैसे जारी करते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये पॉजिटिव जारी करते हुए दिखाई दे रही है या निगेटिव। और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट जारी किया है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ नजर आया है या इसका निगेटिव। साथ ही साथ इस कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस कर दिया है, और ये जो डिविडेंड होने वाला है वो फाइनल डिविडेंड होने वाला है, अर्थात बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल को ये डिविडेंड नहीं मिलेगा और इसमें समय लगता हुआ दिखाई देगा। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस कंपनी ने कितना फाइनल डिविडेंड देते हुए नजर आई है। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए गए होंगे तो उन्हें भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है और इसी दिन ये मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, और ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है वो यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ऑडिटेड रिजल्ट है स्टैंड एलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड, ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसमें हम जो कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं उसका तो डेटा शामिल होता ही है। साथ जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होता है उसका भी डेटा ये शामिल करके फिर इसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकालते हुए नजर आते हैं। तो इसमें सभी डेटा एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए हम इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फाइनल डिविडेंड 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसमें ये देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो फाइनल डिविडेंड का जो अनाउंस करें हैं वो 15 पैसे का अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो ₹1 जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर ये 15% का ये लगभग डिविडेंड देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है उसमें। अब एक चीज और आपको बता दूं, ये जो फाइनल डिविडेंड होता है उसमें शेयर होल्डर जो होते हैं इस कंपनी के उनका अप्रूवल जरूरी होता है। तो इसके बारे में जब भी डेटा निकल के सामने आएगा कि कब अप्रूवल इनको मिलता हुआ दिखाई देगा और इसका जो एक्स डेट है वो क्या रखा गया है उसके बारे में हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। और चूंकि हम इस जो Q4 का रिजल्ट आया है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम देखने वाले हैं, और यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो ये कंपनी है वार्ड विजार्ड इन्वेस्टमेंट मोबिलिटी लिमिटेड, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है और होल्डिंग कंपनी है उसका डेटा यहाँ पे शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई देती है, जिसका नाम जो वार्ड विजार्ड ग्लोबल PTE लिमिटेड है वो होता हुआ दिखाई देता है, और इसी का डेटा इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देगा, आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सेगमेंट है फिलहाल 31 मार्च 2024 का जो Q4 बीता है उसका सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये दिसंबर Q3 का सेगमेंट है, और ये पिछले साल जो मार्च क्वार्टर बीता था उसका कि उसके Q4 का यहाँ पर सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं सभी के सभी डेटा ये लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अर्थात जो इसका वास्तविक बिजनेस है जिससे ये कंपनी रिवेन्यू प्राप्त करती है उसके बारे में ये बताया जा रहा है, उसमें जो Q4 का ये रिजल्ट निकल के सामने आया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, उसमें ये कंपनी फिलहाल 12,811 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था 31 मार्च 2023 के Q4 में 5,054 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में धमाकेदार ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें Q-on-Q बेस पे, तो जो ये Q3 का क्वार्टर बीता है उसमें यह कंपनी 10,628 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रही है, उसकी तुलना में Q4 बीता है उसमें ये अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिल रहा है, 10,628 लाख से बढ़ के 12,811 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर
बेस पे भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इनकम में भी, अपने टोटल इनकम में भी जबरदस्त वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। और 31 मार्च 2023 का जो Q4 बीटा था उसमें ये एक तरफ जहाँ 5,075 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल लगभग 2 गुने से ज़्यादा बढ़ के ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल 12,825 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बात करें तो दिसंबर 2023 का जो Q3 बीता है उसकी तुलना में इस क्वार्टर यानी फोर में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और 10,632 लाख का जो ये टोटल इनकम प्राप्त करती है Q3 में, उसकी तुलना में 12,825 लाख का टोटल ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम यहीं पे बात कर लें कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी जब इनकम प्राप्त करती है तो वो इसका एक्सपेंस भी होना लाजमी है, क्योंकि कंपनी के अपने अलग खर्चे होते हैं, उनको सैलरी देना रहता है, टैक्स देना रहता है, इसके अलावा अदर बहुत से खर्चे होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इस Q4 जो बीता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, उसमें ये जो कंपनी है 12,180 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 4,812 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे यानी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसका टोटल एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एक्सपेंस बढ़ा है वो जो अभी टोटल इनकम के बारे में हमने देखा था कि उसमें ये जो बढ़ोतरी हुई थी उसकी तुलना में ये जो बढ़ोतरी हो रही है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसके टोटल एक्सपेंस में, वो कम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है वो Q3 का दिसंबर में कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल एक्सपेंस है वो 9,844 लाख का करते हुए दिखाई दी थी, जो कि इस क्वार्टर में इसका टोटल एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 12,180 लाख पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके टोटल एक्सपेंस में न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर वृद्धि देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। बस अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके वास्तविक प्रॉफिट जो होता है, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो टैक्स होते हैं उसको भी घटाया जाता है, इसके अलावा जो टोटल एक्सपेंस हुए रहते हैं और इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं सब घटा के जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है Q4 में वो 397 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही पिछले साल जो मार्च 2023 का Q4 था उसमें ये 93 लाख का कारोबार यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दी। तो इस हिसाब से आप देखिए फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि ये जो कंपनी है अपने जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसका जो पिछले क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2023 के Q3 में जहां 534 लाख का कारोबार करी थी वो घट के 400 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है इस Q4 में। कुल मिलाकर इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसने ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसको मार्केट ने कैसे लिया है, ये इसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। हम अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ये जो कंपनी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और 0.03 से बढ़ के ये 0.16 पे पहुँचते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अभी हम ऊपर देखे थे कि इस कंपनी ने प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं किया है और 0.1 से घट के ये 0.16 पे पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो लुभावे की है
है कि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करी है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे उतना अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दी है। अगर बात कर लें थोड़ा सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसका सेगमेंट वाइज रिवेन्यू अभी डेटा ये जारी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये डेटा निकल के सामने आएगा हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर मालूम चल सकता है कि ये जो कंपनी है कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है, कौन कौन से सेगमेंट से रिवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला सेगमेंट है ये इसका जो ब्रांड नाम है टू पहिया बाइक में ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जी ये जो वॉयम इनोवेशन है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है, और जो तीसरा सेगमेंट है वो सेल्स सर्विस में काम करते हुए दिखाई देती है, और इसके अलावा जो चौथा सेगमेंट है वो अनएलोकेटेड सेगमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें जो डेटा निकल के सामने आएगा तो उसमें आपको जरूर मालूम चलेगा कि ये जो कंपनी है कौन कौन से सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जो 31 मार्च 2023 का क्वार्टर फोर बीता था उसमें इस सेगमेंट में जो ई बाइक है उसमें जबरदस्त और धांसू प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी थी, और टोटल 23,878 लाख का ये कारोबार करते हुए दिखाई दी थी पिछले सेम क्वार्टर में। लेकिन ये जो डेटा है वो फिलहाल पुराना हो गया है, और ये पिछले साल यानी 2023 का जो मार्च क्वार्टर बीता था उसमें ये सेगमेंट ये दिखाई दे रहे हैं। अब नया जो डेटा निकल के सामने आएगा उसके बारे में अब ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है भले ही ये डेटा अभी निकाल के नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही डेटा निकल के सामने आएगा आप देखेंगे कि इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम आ गए हैं कि आखिर ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इसे निगेटिव लिया है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो जो परफॉर्मेंस निकाल के दी है वो क्वार्टर क्वार्टर बेस पर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालाँकि ईयर ऑन ईयर बेस पर तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके कारण जो है आज मार्केट में इसमें निगेटिव सेंटिमेंट हावी था और 4% की गिरावट देखी गई। अर्थात मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद आज नहीं आया है, क्योंकि जब ये Q4 का रिजल्ट ये निकाल के दिया था कंपनी ने तो वो पिछले दिन यानी 25 तारीख को निकाल के दिया था, उसके बाद एक पूरा ट्रेडिंग सेशन आज देखने को मिला है। और वहीं अगर हम बात करें 5 के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 2.5% का रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 11%, 6 महीने की बात करें तो 48% का रिटर्न निकाल के दिया है, ईयर टू डेट की बात करें तो 13.5% का, जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 24% का, जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 716% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को ये दे चुकी है। यहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है भले ही इसने अपना ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया हो, लेकिन ये जो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है वो है ईवी का क्षेत्र, और उसमें ये जो दो पहिया बाइक हैं जो ये जिसका नाम ब्रांड बैलू है जो ई बाइक, उसमें उस सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर होते हुए देखने को मिलती है। और इसका विस्तार न केवल इंडिया में होता हुआ दिखाई देता है बल्कि यूएई के साथ साथ अदर देशों में भी ये अपना सेगमेंट में बिजनेस करते हुए दिखाई देती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो है निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।